ऊपर वाले कौन है वो खुशकिस्मत जो नए साल की बेल बजाएगा? आ, नंबर दो निकला है। यहाँ जिसके भी पास नंबर दो का टिकट है वो प्लीज जल्द से जल्द आगे आ जाए। मेरा नंबर, ओ, मेरा तो नंबर नहीं लगा। हाँ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ बच्चे। जी आया। इसे क्या इनाम मिलेगा भाई? इसे नए साल में बेल बजाने का मौका मिलेगा। इस बार मिस्टर केनेची नए साल की बेल बजाएंगे। तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी है बच्चे। जी। तो ये चश्मिश है बड़ा लकी। तो केनेची बेल बजाने वाला है? ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है ना केनेची के पापा। पर क्या वो ये जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा पाएगा? आप फिक्र ना करें पापा, वो बेल 10 या 20 बार ही बजानी पड़ती है ना। नहीं केनेची, उसे 108 बार बजाना पड़ता है। हाँ झूठ मत बोलो हथौड़ी, मैंने 18 बार से ज्यादा तो कभी नहीं सुनी है। वो इसलिए कि नए साल की शाम को तुम हमेशा जल्दी सो जाते हो। मम्मी आप भी मेरा मजाक उड़ा रही है। अगर सच में 108 बार बजानी पड़ती है तो मैं क्या करूँगा हथौड़ी? ओ फिक्र नॉट केनेची, अभी नए साल में 3 दिन बाकी है, तब तक मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगा। हाँ, बेल बजाने की प्रैक्टिस करवाओगे? चलो काम पर लग जाओ। मुश्किल वक्त कमांडो सक, मुश्किल वक्त कमांडो सक। अरे रुको तो, बेल बजाने के लिए तुम्हारा दिल भी साफ होना चाहिए और तुम्हें घुटने मोड़ कर बैठना चाहिए, क्यों केनेची? ऐसे तो मेरी टांगे सुन पड़ जाएंगी। मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है, इसे असली समझकर बजाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो बहुत ही आसान लग रहा है। नहीं नहीं, इसे बजाने के लिए ताकत नहीं, सही तरीका चाहिए। अरे मैं सब संभाल लूंगा। तुम तो एक बार पीटने से रहे, 108 बार कैसे पीटोगे? फंस गया बेचारा। जिस पल का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया। अब से कुछ ही मिनटों में नए साल का बेल बजना शुरू हो जाएगा, तैयार हो जाओ। केनेची मेरे बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस नए साल का बेल बजाएगा हमारा केनेची। ऑल द बेस्ट केनेची। केनेची की जगह मैं होता। या तो यूमिको भी है। अब तो मैं अपने यूमिको के लिए कुछ भी करूंगा। ये सब मेरी यूमिको के लिए। एक देखा शुरू हो गया ना? घर पर कोई है? अरे लगता है सोनम आई है। हथौड़ी केनेची ये सब कहाँ गए हैं? वो सब तो मंदिर गए हैं। आज केनेची बेल जो बजा रहा है। तो मैं भी वहाँ चली। सोनम अपना ख्याल रखना। हाँ ये तुम्हारे नाम पर है यूमिको। मेरे लिए बेल बजाई। दब या अभी वो जमा रहा है। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। मुझे लगता है कि केनेची अब बहुत थक गया है। तो फिर देर किस बात की, चलो जाकर उसकी मदद करते हैं। डिंग डिंग डिंग, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। डिंग डिंग, तैयार? केनेची बन जा। माफ करना, मैं तुमसे पहले जाऊंगा। जाओ केनेची, तुम थक गए हो, जाकर आराम करो। बहुत बहुत शुक्रिया केनेची। यहाँ भी केनेची, वहाँ भी केनेची, ये क्या हो रहा है? ये यूमिको के नाम पे। डिंग डिंग, मेरी बारी कब आएगी? मेरे बाद। और मुझे भी चांस चाहिए। पहले मैं जाऊंगा। चलो शाना और बन, पहले मैं जाऊंगा। अब जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। ये है यूमिको के नाम। हथौड़िया वापस आ जाओ। हाँ जल्दी से आ जाओ, हम भी लाइन में खड़े हैं। इतने में तो मेरी भी हवा निकल गई। यूमिको के नाम पर बजाओ। हाँ मेरे फेवरेट चक्र रोड के नाम पे। सिरा संभल कर।
वाह, हथौड़ी और उसके साथी सच में बहुत कमाल है। मैं भी उनके साथ जाती हूँ। केनिची बचाओ। ये भी युमिको के नाम पे खिल गई। ये भी युमिको के नाम पर। युमिको के नाम पर। ये। मेरे प्यारे हथौड़ी के नाम पर। अरे नहीं। केनिची, ये इतने सारे केनिची कहाँ से आ गए? केनिची, जरा मेरा एक काम कर देना। मम्मी, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। ओह ठीक है। मैं काम कर दूंगा, पर कमीशन चाहिए। अरे वाह, जब देखो एक ही बात शीशी मानो, तुम्हें तो चॉकलेट रोल के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। अब तो हद हो गई। हाँ केनिची, चॉकलेट रोल खाना है, रोकड़ा मिलेगा। शिशी मानो, देखते नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अपनी बेकार की बातों से मुझे तंग मत करो। चलो अब जाते हो कि नहीं यहाँ से? कंजूस कही का, किस्मत खुल गई। कितना पैसा है? एक भी पैसा नहीं आता तो बैल की खराब है। शिशी मानो, तुम गए नहीं यहाँ से? शीशे मानू, तुम्हें चॉकलेट रोल के सिवा और कुछ दिखता नहीं क्या? देखना तुम्हारे पेट में दुखेगा। एक निंजा को अपने दिल और दिमाग पर हर तरह से काबू रखना चाहिए। शीशे मानू, तुम्हें सबको दिखाना होगा कि तुम चॉकलेट रोल के सिवाय भी रह सकते हो। इसलिए एक हफ्ते के लिए नो चॉकलेट रोल। क्या चॉकलेट रोल नहीं? नो चॉकलेट रोल। एक हफ्ते तक तुम्हें चॉकलेट रोल खाना मना है। तो चॉकलेट रोल के बदले के चना खाओ क्या? मैं भी तुम्हारे साथ दूंगा। एक हफ्ते तक मैं भी केक नहीं खाऊंगा। ऐसे भी केक खाने से दांत खराब होते हैं ना? तुम्हारे दांत खराब हो गए? अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। चॉकलेट रोल खाओ, मस्त हो जाओ। मेरा तो अभी से चॉकलेट रोल खाने का मन कर रहा है, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये पैसा मुसीबत है। ये पैसा। निंजा टेक्निक। इस पैसे से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। लेकिन पैसा कहाँ गया? अपना सपना मनी। क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पैसे चुराते हुए देखा है। तुम निंजा के नाम पर एक धब्बा हो। इतने बड़े होकर तुम ऐसी हरकत करते हो? देखो मैं भी तो आजकल केक नहीं खा रहा। बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ सच कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। ऐसा है? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली तो सोचा कि तुम दोनों को इसके लिए तोहफा तो जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इसमें है क्या माला? जरा खुद ही झांक लो। दूर ले जाओ इसे हमारे सामने से। क्यों क्यों, देख लोगे तो ये सब खाने का जी करेगा क्या? नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। शिशिमानु, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। ये लो। क्या तुम भी इसमें पटाखे छुपा के लाए हो? अरे नहीं, ये एकदम असली है। शिशी मानू, तुम ऐसा करोगे तो शिंजो भी वैसा ही करेगा। ये लोग तो मुझे भूखा ही मारेंगे। देखिए उसके मुंह में कैसे पानी आ रहा है। लगता है अब निंजा टेक्निक से इसके बुक्कड़ पेट को सेट करना पड़ेगा। चॉकलेट रोल घर बन जा। चॉकलेट रोल का घर आने में तो यकीन नहीं हो रहा। तो बहुत मजा आ गया। ए घोचू, मेरा घर खाएगा क्या? अरे
अभी अभी यहाँ तो चॉकलेट का घर था। इतना बड़ा चॉकलेट का खंबा, ऐसे तो मैं मजे से खाऊंगा। ये तो टेलीफोन का खंबा है। चलो पतली गली से निकलते हैं। तो सब इनकी चाल थी, अभी मजा चखता हूँ। लो मैं आ गया। ये लोग मुझे यारों समझते हैं क्या? जब से मैंने चॉकलेट खाने छोड़ दिए हैं, तब हर जगह मुझे चॉकलेट और ही दिखाई दे रहे हैं। अभी मजा चखता हूँ, ये ले लो। शीशी मानो ने तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। फिर वही चॉकलेट रोल। हाँ, मुझे चॉकलेट रोल के नाम से नफरत हो गई है। हाँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नफरत हो गई है। हर चीज चॉकलेट रोल जैसी दिख रही है, इसीलिए उसे चॉकलेट रोल से नफरत हो गई है। अरे भाई, आपका प्लान एकदम कामयाब रहा। मुझे नफरत हो गई है। मुझे नफरत है चॉकलेट रोल से। तुमने इतने दिनों से नहीं खाए ना, इसलिए तुम्हें उनसे नफरत हो गई है। मुझे अफसोस है शिशिमानू। शिशिमानू नहीं खाएगा तो हमें ज्यादा मिलेगा। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक बहुत अच्छे और सच्चे निंजा हो। चलो तो फिर इसी खुशी में आज हम चॉकलेट रोल खाते हैं। ये लो बच्चों चॉकलेट रोल्स, जी भर के खाओ। अरे नहीं, हटा दो ये चॉकलेट रोल मेरे मुंह के सामने से। सिर्फ एक खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शिशिमानू। कैसे टोपी पहनाया? अगर एक खाने में कोई हर्ज नहीं है तो मैं सब क्यों ना खा लूं? इससे मेरी नई ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। मजा आ गया। अब तक सिर्फ तुम नाटक कर रहे थे शिशिमानू। तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। तुम जीत गए, तुमने साबित कर दिया है कि मैं एक बहुत अच्छा ट्रेनर नहीं हूँ। नई ट्रेनिंग में इसे मेरी भूल समझ कर माफ कर दो। केनिची, हाँ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, चलता हूँ। केनिची, टिंगिंग टिंगिंग टिंगिंग। केनिची तुम आ गए, आज तुमने देर कर दी। शिशिमानो तुम जरा ऊपर आओगे? क्या बात है केनिची? वो मैं सिर्फ इसे ही बताऊंगा। चलो चलो, आज वो बेकार से तुम्हें क्या काम पड़ गया? वो अजीब से पेशा लाना भाई। तुम ठीक कह रहे हो। युमिको, तुम यहाँ? क्या केनिची घर आया है? बस अभी आया है। आज वो तुम्हें कुछ बदला नहीं लग रहा है? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? हतोड़ी, क्या तुम लोगों ने उसके आँखों में आंसू देखे है? उसके आँखों में आंसू क्यों होंगे? आज वो गार्डन में बैठ कर रो रहा था। ऐसा क्या? जानते हो, पैट नाम का डॉगी उस बर्फीली रात में ठंड के मारे मर गया। उसका मालिक उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन वो दोनों अलग हो गए। इस डॉगी की कहानी सुनकर तुम्हें भी दुख हो रहा है ना? मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा हूँ। ये कहानी सुन के मेरे भी आंसू निकल आए। और शिशिमानू, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। शिशिमानू, केनिची भाई। केनिची, युमिको आई है, जरा रुकना, मैं अभी आया। लो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो। युमिको को पता चला कि हम इस कहानी पर रो रहे थे तो वो क्या सोचेगी? आयशा क्या? अंदर आओ ना, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? तुम क्या कर रहे थे केनिची? बस यूं ही बातें कर रहे थे। क्या क्या हुआ? देखो हथौड़ी, ऐसे लगता है कि ये रो रहा था। टिंगलिंग। हाँ भले भाई, वो सही कह रही है। देखो उसके गालों पर आंसू के निशान है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है हथौड़ी, तुम सब लोग अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए हो? टिंगलिंग। केनिची, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारा एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त नहीं हूँ? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? केनिची देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो वो मेरी परेशानी है। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ, इसलिए मुझे बताते क्यों नहीं तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या तुम मुझे अपनी परेशानी दूर करने के लायक नहीं समझते? अगर ऐसा है तो मैं किसी काम का नहीं।
हाँ केनिची, अगर कोई बात है तो हमें बता दो, हम तुम्हारे दोस्त हैं ना। दोस्त होते किस लिए हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम लोग क्या कह रहे हो? देखो केनिची, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। डिंग डिंग। नहीं नहीं, तुम उस पर कोई अपना निंजा टेक्निक मत आजमाओ। डिंग 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 डिंग, प्लीज हमसे बात करो, हमें बताओ तुम्हें क्या दुख है। नहीं रुक जाओ। को क्या हो गया? डिंग डिंग डिंग, मुझे भी रोना आ गया। देखा, मैंने तुम्हें बचाया। थैंक यू शशि मानो, हम वाकई में बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो हम हैं। इस कहानी में भी वो लड़का और डॉगी एक साथ रहते थे और मिलकर हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करते थे। हाँ, हम भी साथ रहेंगे और मिलकर मुसीबत का सामना करेंगे। शशि मानो, कैनिची, मेरे भाई। केनिची, शशि मानो। डिंग 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 डिंग। अब मैं निंजा टेक्निक इस्तेमाल करके सड़प छाप डॉगीज की मदद लेता हूँ। डिंग 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 डिंग। तुम्हें केनिची नाम के लड़के को और शशि मानो नाम के डॉगी को ढूंढना है। जाओ मेरे दोस्तों। मुझे भूख लगी है। अरे लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो चलो वापस घर चलते हैं। शशि मानो, तुम वापस जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? भूल गए कि हम अच्छे दोस्त हैं और हमें साथ में रहना है। हाँ, पर जब से भूख लगती है तब दोस्ती काम में नहीं आती। ओ, तो इतनी जल्दी अपनी दोस्ती भूल गए? नहीं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं घर क्यों नहीं जा सकता। दिंग दिंग, दिंग दिंग, दिंग 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 दिंग। हाँ मुझे सब पता है, अब तुम घर जाओगे और युमिको और बाकी सबको बड़ा चढ़ाकर बताओगे कि मैं रो क्यों रहा था, है ना? अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे तो भूख लगी है। तुम एक दिन भूखे नहीं रह सकते, तुमने दोस्ती का वादा किया था, तुम्हारे वादे की कोई कीमत है या नहीं? आ, है ना, चॉकलेट रोल, मुझे भूखा नहीं मरना है। रुको शशिमानो, तुम वापस जाकर युमिको और बाकी सबको कुछ बताओगे तो नहीं ना? चॉकलेट रोल खिला गए। शशिमानो, तुम किसी के भी दोस्त बन ही नहीं सकते। अच्छा, तो इसलिए रो रहे थे? हाँ, युमिको तुम यहाँ, हथौड़ी तुम भी। केनिची मेरे दोस्त, तुम भी कितने बोंदू हो। मुझे ऐसे जज्बाती लड़के पसंद है जो कहानी पढ़कर रोते हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ, तुम्हें पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है, है ना हथौड़ी? हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे लड़के पसंद है। मुझे अच्छा लगा कि युमिको और हथौड़ी ने मेरी फीलिंग्स को समझा, है ना शशिमानो? हाँ शशिमानो, के लिए चॉकलेट रोल से बढ़कर और कुछ नहीं है। हाँ, जब पेट खाली हो तो बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती, पापी पेट का सवाल है। पेट भर जाए तो बात बन जाए। चलो अब हम सब घर चलकर एक साथ वो कहानी दोबारा सुनते हैं। हाँ चलो, कहानी सुनेंगे। दोस्तों, अगर कोई कहानी पढ़कर आपको भी रोना आ रहा है तो फिर बिंदास रोइए।